मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में समदाराम सहाय गांव में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे गांव के किसानों की गन्ने की फसल और धान की फसल को बंदर काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि हजारों की मात्रा में बंदरों की तादाद है, जब हम लोग बंदरों को भगाने का प्रयास करते हैं तो हमें बंदरों के हमले करने का डर बना हुआ है, जिससे काफी तादाद में बंदर गन्ने की व धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान गहरे सदमे में है और किसानों ने वन विभाग की टीम से बढ़ते फसल के नुकसान को देखते हुए बंदरों को पकड़ने की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से गांव में किसानों की गन्ने की व धान की फसल को खूंखार बंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान गहरे सदमे में, क्या वन विभाग टीम इन बंदरों को पकड़ पाती है या बंदर यूं ही गन्ने की व धान की फसल को किसानों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। क्या मामला है? मामला ये था, बंदर परेशान कर रहे हैं, रोज रखा रहे हैं, 8-10 अगोले रोज उठा कर ले जा रहे हैं। कौन सा गांव है? गांव समदाराम सा है। तो कितने मतलब बीघे फसल बर्बाद कर दिए? अरे साहब, हमारी भी 10 बीघे है और लोगों की तो और ज़्यादा हैं। कितने दिनों से हैं बंदर? ये 2 साल से साहब परेशान कर रहे हैं। आपने इसकी शिकायत कहीं की? कहीं शिकायत नहीं रही, जितनी बड़ी जानकारी नहीं थी। अब आप क्या चाहते हो? चाहते हैं साहब मौके पर आकर देखा जाए, इसका हमें मुआवजा मिल जाना चाहिए।